चलो हम लोगों ने सुनो बेटा दी थी ये क्वेश्चन क्या हो गया जिसमें हम लोगों ने फील्ड दी है। सुनना फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, ध्यान सुनना किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है किसका कम है ये डिफरेंस पूछा। जैसे पहले सुनो जैसे पहले पोटेंशियल दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी थी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया पोटेंशियल पूछा था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दी है पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। अब इसका उल्टा क्वेश्चन क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा और क्या पूछेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रिलेशन फिर हम लोग समाप्त कर देंगे। तो ये अंतिम प्रश्न, इसको ध्यान से देखना क्वेश्चन बच्चों, देखो ऐसा है क्वेश्चन लिखना, इन द फिगर गिवन फ्यू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर देयर इन द फिगर शोन। चलो बढ़िया, इन द फिगर शोन फ्यू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर गिवन, इन द फिगर शोन ध्यान सुनना फ्यू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर शोन, फाइंड द वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सही बनाओ बेटा रहेगा, फाइंड द वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सभी लोग डायग्राम बना लो, ये फाइंड द वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये पोटेंशियल की वैल्यू है, फिफ्टी वोल्ट 40 वोल्ट 30 वोल्ट, और ये जो एंगल है इक्विपोटेंशियल सरफेस का ये 45 डिग्री, इसको ध्यान से देखना, फाइंड द कैसे बना जा सकता है, सुनो अच्छे से बनाना बेटा, मजाक मस्ती में नहीं, सब लोग बनाओ, ये कुछ कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस ही मैंने बना दी है और ये सारी इक्विपोटेंशियल सरफेस आप देख सकते हो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पे हैं। ये देखो बेटा ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको मेरी पिछले वाली बात का मतलब और क्लियर होगा दिमाग में, देखना सभी लोग बना लिया, पूछा क्या है फाइंड द वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो सभी लोग बना लो, ये बनाना अच्छे से, ये सारी पोटेंशियल सरफेस एक्स एक्सिस को जहां पर कट कर रही है वो पॉइंट्स की दूरी देख लो, ये 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ऐसे आगे वो चलते चले जाएंगे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इसको देखो सभी लोग जल्दी से, हाँ अब सब लोग ध्यान से सुनना, फटाफट ऊपर देखो, ध्यान से फटाफट अब सब लोग ऊपर देखना, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए लिखना बंद कर दो, इसको ध्यान समझ लोगे तो इसमें दो बोनस है, पहली बात तो ये देख के डराने वाले क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आज बहुत से लोग देख के डर जाते हैं, बाप रे बाप तो फोटो ही बहुत गंदा दिख रहा है, आंसर होगा 2 लाइन का, इसलिए ध्यान से सुनना, अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने क्या किया पिछले वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दी थी, अब यहाँ पर मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस दे दी, रिपीटर वाले बच्चों ध्यान से देखना, सबसे पहले तो क्या समझ में आया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ध्यान से देखो बेटा, देख लो इधर देख लो, बाद में लिख लेना, देख लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसकी वैल्यू 60 वोल्ट है, जैसा कि हमने पढ़ा प्रॉपर्टी, अगर इक्विपोटेंशियल है तो उस सरफेस पे जितने भी पॉइंट आएंगे सब पर पोटेंशियल सेम होगा, तो भले ही मैं पूछा नहीं पर मैं बोलता कि सरफेस पे जितने भी पॉइंट आएंगे ये सारे हर पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा 60, ऐसे ही सरफेस पे जितने आएंगे सबका 50 सबका 40 सबका 30, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दे दी। इसके पिछले वाले सारे क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दी होती थी तो हम लोग क्या करते थे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते थे, पहले इसको दिमाग में घुमाओ, तो फील्ड दी है पोटेंशियल सरफेस बनाइए, अब उल्टा क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल दी फील्ड पूछिए, तो देखो डायरेक्शन तो लॉजिकली हम निकाल ही सकते हैं, जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ी थी प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर होती है,
इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, डिक्रीजिंग पोटेंशियल। अब आप बोलोगे हो सकता है सर हम ये पॉइंट भूल जाएं, बट ये पॉइंट कभी नहीं बोलोगे कि पॉजिटिव के पास जाने पर पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा। तो इस डायग्राम से आप देख के बताओ कि पॉजिटिव चार्ज किधर रखा होना चाहिए, इधर कि इधर। कैसे समझ में आएगा कि ये वाली पोटेंशियल सरफेस, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब इधर की ओर कहीं पर क्या रखा होगा आपका, पॉजिटिव चार्ज रखा होगा। क्या बोलते हो, जब ही तो इधर की ओर पॉजिटिव चार्ज रखा होगा, जब ही तो इधर वाली सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि ये पॉजिटिव के क्या है, पास है। तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए, 45 डिग्री। विचार करो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए, हमेशा किधर निकलती है, पॉजिटिव से निकलती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो अलग कलर से बनाऊंगा, देखना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, ऐसा। क्या बोलते हो, इस डायरेक्शन में, ऐसा, यहां से निकल के ये ऐसे आनी चाहिए, यहां से निकल के ये ऐसे आनी चाहिए। दैट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। धीरे धीरे आराम से विचार करें, बस फर्क ये है कि पहले भी हम लोग यही करते थे, बट पहले एंगल पे नहीं करते थे, तो सीधा दिखता था हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इधर पॉजिटिव चार्ज रखा था। आराम से विचार करो, तो ये 60 वोल्ट होगा, ये 40 वोल्ट होगा, ये क्या होगा, 20 वोल्ट। यही से हमने प्रॉपर्टी क्या बनाई थी कि फील्ड हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में होती है, और आपस में कैसे होती है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे तो वही डिक्रीजिंग पोटेंशियल कितना है, इधर 60 है, तो इधर जाने पर पोटेंशियल क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। तो फील्ड हमेशा उस तरफ होगी जिधर पोटेंशियल कम होगा, और परपेंडिकुलर होगी। तो देख लो ये सारी की सारी फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस की कैसी है, परपेंडिकुलर। तो डायरेक्शन हम लोगों ने निकाल ली किधर की ओर होगी, नीचे की ओर। अब सवाल है वैल्यू निकालना, इसको देख लो पहले। हाँ पहले इसको सब लोग देख लो, सिर्फ एक लाइन का सॉल्यूशन है, बट कॉन्सेप्ट समझना है। इसमें कोई विचार कर लो, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर उसको कितना भी घुमा लो, ये हमको देखना आना चाहिए कि जिधर ज्यादा पोटेंशियल है उधर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकल दे। दूसरा मैंने बोला इस तरह के क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, साइन देने की जरूरत नहीं है, E into कितना होगा, R perpendicular, ये main था, R perpendicular क्या है, it is the distance between the two equipotential surface। अब यहाँ ध्यान से देखना, कोई भी दो potential, कोई भी दो surface के बीच potential difference कितना है, जैसे ये 60 volt है, तो ये पूरी surface पे 60 volt होगा, ये 50 volt है, तो इस पूरी surface पे कितना होगा, 50। तो कोई भी दो surfaces के बीच potential difference कितना है आपका, 10 volt। पिछले वाले क्वेश्चन में यही पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दी थी, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है दिया है, तो क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी। तो अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, ये x इज इक्वल टू 1 है, ये x इज इक्वल टू क्या 3, इन सबको देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये 1 और 3 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, ये कौन सी इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की दूरी, देखो 30 वोल्ट वाली x एक्सिस को कहां पर काट रही है, 1 पर देख लो, और 40 वोल्ट वाली x एक्सिस को कहां पर काट रही है, 3। तो क्या ये 30 और 40 के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, नहीं। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को निकालनी पड़ेगी, उसको अलग से बनाता, अगर उसको अलग से बनाना तो कैसे ऐसे बनेगी, देखो बच्चों बड़ा ध्यान से देखो, बहुत आसान है। तो ये 30 वोल्ट है और ये क्या है, 40 वोल्ट। तो क्वेश्चन में ये जो डिस्टेंस है ये देखो, ये कितनी है x इज इक्वल टू 1, और ये कितनी है x इज इक्वल टू 3। तो 1 और 3 के बीच की दूरी कितनी होगी, 2 मीटर। विचार कर लो, बट ये 2 मीटर इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो कौन सी होगी, ये वाली। सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल, और वो एंगल कितना होगा, तो वो एंगल यहां से देख लो, क्योंकि 45 है, तो ये वाले सारे के सारे एंगल कितने होंगे, 45। तो इसको लिख दो कि ये वाला एंगल ये कितना होगा, 45। देखो जरा, तो आर परपेंडिकुलर निकाल सकते हो कैसे, तो ये ट्रायंगल का क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस, और ये ट्रायंगल का क्या बन जाएगा, बेस। जैसा आपको उचित लगे लगा दो, फिर कॉस 45, तो कॉस 45 बराबर कितना, 2 by बेस, तो बेस कितना है, आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, 2। तो आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 2 into 1 by root 2, that is equal to root 2। इसको देखो सब लोग, calculation देख लो भाई, इसका math slow है, देख लो,
ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की दूरी थी, बट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो ये वाली होगी। इस ट्राइंगल में लगाया ये हाइपोटेनियस और ये क्या है बेस। देखो तो कॉस थीटा बराबर बेस जो ये है अपॉन हाइपोटेनियस जो ये है, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी 2 into cos 45। cos 45 को लिख दिया 1/√2, तो 2 into 1/√2 मतलब बस पटक देते हैं यहाँ पर, यहाँ से बचा है क्वेश्चन अभी देखो। तो बस डेल्टा बी बराबर कितना है E into R परपेंडिकुलर, डेल्टा बी कितना है कोई भी दो सर्फेसेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 40 - 30 लिख दो। तो 40 - 30 पोटेंशियल डिफरेंस दिया इज इक्वल टू ई, ई निकालना है इनटू आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर कितना है √2, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। 40 - 10 डिवाइड बाय कितना √2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5√2। ये तो क्या मिल गई वैल्यू, डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन किधर होगी आपके इधर नीचे की ओर, नीचे की ओर मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, अगर क्वाड्रेंट से बात करेंगे तो इधर जा रही है, इधर जा रही मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जाएगी वो 1 2 3, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से क्वाड्रेंट में होगी थर्ड क्वाड्रेंट, कितना एंगल पे होगी एट एन एंगल ऑफ 45। सो दिस इज द वैल्यू और आंसर क्या होगा, हाँ एट एन एंगल ऑफ लिख लो 45 डिग्री इन द थर्ड क्वाड्रेंट। सभी लोग इसको नोट कर लो, ध्यान से नोट करो, इसको लिखो अच्छा। अब आप लोगों के मन में एक सवाल और आ सकता है कि मैंने इन दोनों को क्यों चुना 1 और 3 वाले को, कुछ फर्क पड़ता क्या, अगर मैं 3 और 5 अगर 40 और 50 वाले की बात करता तो भी इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होती सेम होती, तो इसलिए कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस को पकड़ो काम करो, फटाफट इसको लिखो जल्दी से। इसको देख लो, सरफेसेस आर शोन इन द डायग्राम, फ्यू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर शोन इन द डायग्राम, फ्यू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर शोन इन द डायग्राम। नॉर्मली हमारे सिलेबस में तो ऐसे ही आते हैं, एंगल भी मैं इसलिए देता हूं क्योंकि एक क्वेश्चन अच्छी बुक में एंगल का मिलता है, इसलिए few equipotential surfaces are shown in the diagram. For which of the following cases the strength of electric field is more? For which of the following cases the strength of electric field is more? For which of the following cases the strength of electric field is more and also find its direction, chota sa question hai iske question ek line ke sare ye diagram hai For which of the following cases the strength of electric field is more? ठीक है? हाँ इंडिया में
डायरेक्शन किधर होगी और इन तीनों में से किसमें फील्ड की वैल्यू स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी, इससे मुझे लगता है कि आप लोगों को दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस दी हो तो फील्ड निकाल सकते हैं, अगर फील्ड दी हो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस निकाल सकते हैं। दोनों में खास तौर पर बात करने वाली क्या है कि आर परपेंडिकुलर आपको सीखना है और डायरेक्शन भी सीखना है। डायरेक्शन सब लोग निकाल लो फटाफट, पॉज करना एक मिनट। हाँ बना ले, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी बच्चों, क्या बोलते हो? देखो इधर पॉजिटिव चार्ज है तो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में, मतलब इधर, क्या बोलते हो चलेगा? देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रिपीटर वाला देख लो सब बनता कि चूंकि इधर रिपीटर वालों के लिए चूंकि इधर पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब इधर की ओर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर की ओर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है तो इधर की तरफ जाएगी। और ऐसा कहना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में होती है तो इधर प्रॉपर्टी भी रिकॉल हो गई, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। देखो क्यों जरूरी है, ये सब छोटी छोटी बात है, इतना बड़ा क्वेश्चन तो मैंने कभी देखा ही नहीं, इसको भी हालांकि बड़ा नहीं बोलते, नीट में तो जरा जरा से पूछ लेते हैं, आप लोग विश्वास भी नहीं करोगे जो आप सोच नहीं सकते। जैसे इस बार भी देख लो आर्मी नहीं निकाल पाता भाई, वहां पे ध्यान थोड़ी ना था। इस बार क्वेश्चन है एक छोटी सी प्रॉपर्टी पूछ ली कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इक्विपोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, 0, 180, 90, तो जरा सी प्रॉपर्टी। और ये बात जब मैं ऐसा बनाता हूं तो लोगों को लगता है अरे क्या देखो बना क्या टाइम पास, ये टाइम पास क्वेश्चन है भाई, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ लेते हैं, जरा सा एंगल पूछ लेते हैं, ये सब छोटी छोटी बातों पर भी आप लोग ध्यान रखो। तो इस केस में डिस्टेंस कितनी लोगे, हमें क्या चाहिए, जो आर है वो क्या है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू सर्फेसेस, तो दो सर्फेसेस कौन सी, ये वाली और ये वाली, तो इन दोनों के बीच की क्या बोलते हो बच्चों, यही डिस्टेंस क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा, 5 - 2, यहां से कितना आ जाएगा 8 - 5, यहां से कितना, ये तो फॉर्मूला क्या होता है,
पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू कितना E इनटू R पर पेन, बाकी साइन हम लोग लॉजिक से दे सकते हैं बस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दो सरफेस के बीच, 50-40 बराबर E इनटू R परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 3, तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/3। और डायरेक्शन डायरेक्शन किधर है, इधर इधर मतलब किस डायरेक्शन में, x एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके साथ लगा दो कितना 10/3 i कैप, ऐसे ये भी बन जाएगा इधर। इसमें फील्ड किधर है, क्यों रिपीटर वाले बच्चों कैसे देखेंगे, इधर पोटेंशियल क्या है, इधर ज्यादा, तो इधर ज्यादा है मतलब पॉजिटिव चार्ज किधर रखा होगा, ऊपर रखा होगा, बस फील्ड हमेशा किधर आती है पॉजिटिव चार्ज से आती, तो जब पॉजिटिव चार्ज से आएगी फील्ड तो किधर आएगी नीचे आएगी, और वो एक भी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विचार कर लोगे, विचार कर लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी नीचे, बस दो एक भी पोटेंशियल सरफेस के बीच की दूरी, तो ये 3 वोल्ट वाली y एक्सिस को कहां पर काट रही है 9 पे, ये 25 वोल्ट वाली कहां काट रही है 6 पे, ये काट रही कितने पे 3 पे, ये काट रही कितने पे 0 पे, देख लो। तो कोई भी दो सरफेसेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही हो जाएगी, तो r परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3। तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड कितने लिखोगे, डेल्टा v कितना है, तो 30-25 डेल्टा v बराबर कितना है e into r परपेंडिकुलर, यहां पर भी r परपेंडिकुलर कितना है 3 है, क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी 5/3 डायरेक्शन, जो कि किधर आ रही है नीचे आ रही, नीचे आ रही मतलब किस डायरेक्शन में माइनस जे कैप, बेटर इसलिए लिखने पे बजाय देख भी लो, बाद में आओगे डाउट नहीं बताऊंगा, इसलिए देख लेना अच्छे से यहाँ पे कहानी। हाँ अब मेन वो नहीं है, जब बिना एंगल के दिया होता है तब तो फटक से आ जाती है, अगर हम लोग को आ गया इस केस में बताओ एंगल कितना लेंगे, इस केस में ध्यान से देखना, सबसे पहले विचार करो फील्ड किधर है, सबसे पहले विचार करो फील्ड किधर है, क्यों भाई सब लोग किधर है, इधर पोटेंशियल क्या है ज्यादा, अंतिम बार बोलो ध्यान सुन लेना अभी भी किसी को नहीं आया, तो इधर पोटेंशियल ज्यादा है मतलब जो पॉजिटिव चार्ज रखा होगा वो किधर रखा होगा, इधर रखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है पॉजिटिव चार्ज से निकल के जाती है, तो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो अलग पेन से देखो वो किधर बनेगी, इधर बनेगी, इधर से ऐसी, तो उसको कैसे बनाएंगे देखो क्या बोलते हो, इधर आएगी ऐसे सारे के सारे एक भी पोटेंशियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, इधर आएगी देखो, इधर वाले एक भी पोटेंशियल सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, इस पर विचार कर लो, अगर इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो, एक गलती कर दोगे वो गलती भी देख लेना एंगल की, पिछली बार 45 था तो कोई टेंशन नहीं था, सभी 45 होते हैं 45 में, बट यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, इसको देख लो सबसे पहले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजिंग की डायरेक्शन में कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, फर्स्ट मतलब x में भी कैसा आएगा पॉजिटिव और y में भी कैसा आएगा पॉजिटिव, अब यहाँ r परपेंडिकुलर, अब सबसे पहले देखो ये डिस्टेंस क्या है, ये 1 है और ये वाले डिस्टेंस क्या है 3, सॉरी ये ग्रीन वाली ना, हाँ ये ग्रीन वाली 1 है और ये क्या है 3, ये ग्रीन वाली कौन सी लाइन है 40 वोल्ट की लाइन है, ये वाली कितने वोल्ट की लाइन है 30 वोल्ट की लाइन है, बट ये इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो ये 2, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी ये वाली, सो दिस इज द आर परपेंडिकुलर, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, इसको अलग से बना दो, तो ये 40 वोल्ट की लाइन है, ये 30 वोल्ट की लाइन है, 40 वोल्ट की लाइन एक्स एक्सिस को कहां पर काट रही है 1 पर, 30 वोल्ट की लाइन एक्स एक्सिस को कहां पर काट रही है 3 पर, विचार कर लो, तो ये 1 है और ये क्या है 3 है, बट प्रॉब्लम क्या है ये नॉर्मल डिस्टेंस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी ये वाली, बस अब ध्यान देना गलती क्या होगी, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, अब आर परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, साइन से कि कॉस से, दोनों से जैसा आपको उचित लगता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कॉस ही लेना है, अगर यहाँ से देखेंगे देखो तो ये थीटा के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या होगा हाइपोटेन्यूस, कैसे पता चलेगा, तो कॉस लेना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, अगर साइन लेना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यहाँ ध्यान से देख लो, हाँ साइन 30 भी ले सकते हैं या कॉस 60 भी ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगता है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 30 सामने दिख रहा है तो डायरेक्ट ले लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा साइन
30 रिपीटर वाले बच्चों ध्यान से देखना, साइन 30 बराबर परपेंडिकुलर कितना होगा, आर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कितना होगा, क्या होगा देख लो, तो साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2 और परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा हमारा, दैट इज 1। शांति से इसको एक बार देख लो। तो इन क्वेश्चंस में यही गलती हो सकती है कि हम लोग डायरेक्ट दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की दूरी लेते हैं ना कि आर परपेंडिकुलर। सो डेल्टा भी कितना हो जाएगा, डेल्टा भी बराबर कितना हो जाएगा ई इंटू आर परपेंडिकुलर। डेल्टा भी तो अभी भी कितना है 40 - 30 10, ई निकालना है और आर परपेंडिकुलर कितना है 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 10। और डायरेक्शन क्या लिखोगे यहाँ पे, वैसे अगर डायरेक्शन लिखते हैं तो किस डायरेक्शन में होती है आपकी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो जो एंगल आएगा वो आई और जे दोनों कंपोनेंट आएगा। बस हमने क्या पूछी, स्ट्रेंथ किस में ज्यादा, देखो तो इसमें स्ट्रेंथ कितनी थी, इसमें स्ट्रेंथ कितनी थी 10/3, इसमें स्ट्रेंथ कितनी है 5/3 और थर्ड वाले केस में स्ट्रेंथ कितनी है 10, तो इसके 10 है ना। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, फिर इस केस में और फिर इस केस में, देखो इसको लिख लो। So this is the concept of field and potential. अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन जब करोगे तब ये 100% दिमाग में जम जाएगा, पर ज्यादा लेट ना करें, आज काफी सारा काम दूंगा, ज्यादा नहीं। फिर सो क्वेश्चन कैसे पास, सो हटा देते हैं, सो हटा दो 250 में से। सिस्टम ऑफ चार्जेस, अब सुनो, पोटेंशियल से बना पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहले लिखना पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, इसमें लिखना पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, नहीं नहीं पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, इसमें लिखना बिटवीन द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, ब्रैकेट में लिख देना पॉइंट, पॉइंट चार्जेस। सुनो देखो, अगर कहीं पर दो पॉइंट चार्जेस है, मान लो जिनकी वैल्यू Q1 Q2 है, ध्यान सुनना, जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग चैप्टर के पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं, दो पॉइंट चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, कूलम्बिक फोर्स लगता है। सुनो ध्यान से, अब देखो बेटा ये सब वापस पढ़ा रहा हूँ, वैसे तो मैं आपको ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ ग्रेविटेशन में और फील्ड और पोटेंशियल डब्ल्यू बी में। अगर आज के लेक्चर की बात करें तो सिर्फ इक्वी पोटेंशियल और फील्ड वाला पार्ट ही नया था, बाकी ये सब भी पढ़ा चुका हूँ पहले में, पेयर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन में, याद है पुरानी बात क्या करते हैं, ग्रेविटेशन में अगर बताऊंगा तो याद आ जाएगा, ट्राइंगल के बीच पेयर बनाते थे ये तीन, स्क्वायर के बीच पेयर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सभी का दे। देखो दो चार्जेस, देखो अगर दो चार्जेस Q1 Q2 r दूरी पर रखे हैं तो उनके बीच पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 / r, इसको नोट करो सब लोग फटाफट, K Q1 Q2 / r। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखते हैं, फटाफट लिखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखते तो वो कितना होगा K Q1 Q2 / r² देखो जैसे फील्ड से पोटेंशियल निकालते हैं इंटीग्रेट करके, ये भी वैसे निकलता है, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट आप लिख लो। सुनो बेटा बात नहीं करो जल्दी, देखो बराबर तीन क्वेश्चन करूंगा, चार तीन चार जो भी, आधा घंटे का समय, इसके ध्यान से सुनो, इसमें ये समाप्त हो जाएगा। इसमें देखो कहानी क्या है, जैसे हर दो पॉइंट चार्जेस के बीच, ध्यान सुनना बच्चों, जैसे हर दो पॉइंट चार्जेस के बीच कुछ ना कुछ फोर्स होता है जिसको हम लोग कोलंबिक फोर्स कहते हैं K Q1 Q2 / r², वैसे हर दो पॉइंट चार्जेस के बीच कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है, होना भी चाहिए। जैसे अगर आप कह दोगे कि दोनों की दोनों पॉजिटिव है तो वो क्या कर देंगे, रिपल, तो रिपल्सिव एनर्जी हो जाएगी। अगर एक पॉजिटिव और एक क्या है नेगेटिव तो क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट। तो यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है, एक लाइन, बस एक लाइन, हर दो पॉइंट चार्जेस के बीच चूंकि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, भले ही अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे क्या हो,
रिपल्सिव फोर्स वैसे ही हर दो पॉइंट चार्जेस के बीच कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होती है, उस पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर होता है। इसको कंपेयर करो अगर ग्रेविटेशन से, तो ग्रेविटेशन में बच्चों चार्ज की जगह मास होते हैं, तो वहां दो पॉइंट मासेस है एम वन एम टू, उन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी अब याद आ जाएगा वो होती है माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर। तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे बिटवीन द टू मासेस, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे बिटवीन द टू चार्जेस, बट एक फर्क दिख रहा होगा आपको कि पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस के बीच नेगेटिव होती है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो पॉजिटिव। भाई इसी पे तो पूरा एस्केप वेलोसिटी और सब बेस्ड था भाई, क्लास की कॉपी खोल के देखो, तो वहां जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं सेम टू सेम यहाँ पर भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं, बस फर्क क्या है कि फोर्स में आर स्क्वायर आता है, पोटेंशियल एनर्जी में कितना आता है आर, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना था जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो सेम टू सेम यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जो लोगों को वहां का नहीं आता भाई बेहतर है कि उसको और इसको कंपेयर कर लो, सब कुछ सेम, सिर्फ क्यू वन क्यू टू यहाँ पे आएंगे, वहां एम वन एम टू होता है, यहाँ पर के कॉन्स्टेंट आएगा, वहां पर कैपिटल जी कॉन्स्टेंट होगा। तो इसमें कौन से टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो सबसे पहले टाइप लिखना टाइप वन, फटाफट जल्दी से 25 मिनट लिख लो, तीन क्वेश्चन बताना है बस। सबसे पहले टाइप वन लिखना, टाइप वन पेयर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टाइप वन लिखना, पेयर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टाइप वन, पेयर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। प्रॉब्लम लिखना ट्राइंगल प्रॉब्लम। ऐसे ट्राइंगल हो जाएगा तो स्क्वायर स्क्वायर भी आप लोग सब कर लोगे। ट्राइंगल प्रॉब्लम पेयर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्वेश्चन लिखना फटाफट सब लोग। थ्री पॉइंट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, थ्री पॉइंट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, थ्री पॉइंट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर केप्ट एट इक्विलेटरल ट्राइंगल, पॉइंट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर केप्ट एट इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए, ऑफ साइड ए व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये क्वेश्चन नीट में पूछे हैं वर्क डन वाले, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन, एक मिनट ऑफ साइड ए लिखा ना, उसको टू ए कर लो, पहले पहले वाली साइड को टू ए लिख लो, पहले वाली साइड को टू ए लिख लेना, ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर केप्ट ऑन द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड टू ए, लिखा व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग देम, इन ब्रिंगिंग देम टू अ ट्रायंगल ऑफ साइड ए, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, इन ब्रिंगिंग देम टू अ ट्रायंगल ऑफ साइड ए। फटाफट ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनो, लिखना नहीं आप क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, सिर्फ तीन क्वेश्चन से हमारा ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ पर सिर्फ एक अंतिम टॉपिक बचेगा डायपोल, तो वैसे तो मैं आपको डायपोल पढ़ा चुका हूँ, वर्क डन तो एक बार रिकॉल कर लेना, सिर्फ रिपीटर वाले के लिए पढ़ाऊंगा, तो फिर से तो पुराने कॉन्सेप्ट है उसको रिकॉल करूंगा, नहीं तो आप लोगों के हिसाब से अभी ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन, सबसे पहले कहानी क्या है, हमारे पास तीनों चार्जेस है, देखो तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, इनिशियली उसको किस पर रख दिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल पे, और उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड कितनी है टू है। तो देखो इसको मैं ऐसा कहता, पहले समझना, इसको मैं कहता बड़े वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल पे रखा। अब बच्चों ध्यान से देखना, जैसे ये क्यू, ये भी है क्यू और ये भी है क्यू, सेम मैग्नीट्यूड सेम साइन, मतलब तीनों कैसे हैं, या तो प्लस क्यू है या तीनों कैसे हैं माइनस क्यू, प्रेफरेंस में हम लोग पहले किसको लेते हैं प्लस क्यू, देखो तो ये हमने तीनों चार्जेस की वैल्यू को प्लस क्यू लिख लिया, ऑब्वियसली चूंकि तीनों के तीनों पॉजिटिव है, ध्यान सुनना, चूंकि तीनों के तीनों पॉजिटिव है तो तीनों आपस में क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल, तो ये सब दूर जाने की कोशिश करेंगे, सोच के देखो अगर इन तीनों को छोड़ दोगे तो क्या वहीं रखे रह सकते हैं, खुद की खुद वो क्या कर देंगे आपके दूर चले जाएंगे, क्यों, क्योंकि तीनों पॉजिटिव है। अब हमको क्या करना है क्वेश्चन में, क्या करना है हमें,
इन सब को उठा के छोटे ट्राइंगल पर रखना है। अभी तो ये टू ए साइड के ट्राइंगल पर रखे थे, इन सब को उठाओ, जबरदस्ती करनी पड़ेगी क्योंकि रिपल कर रहे हैं, जबरदस्ती करके छोटे ट्राइंगल पर रखना है। तो इन सब को टू ए ट्राइंगल की साइड से ए ट्राइंगल की साइड पर आपको रखना है। ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। सवाल ये, काम क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि रिपल्सिव फोर्स के कारण वो क्या करेंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे। अगर वो दूर है तो इनको पास पास रखने में क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ। अब ध्यान से सुनना, वर्क डन वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे, जब जैसे कि अभी तक जो आज हम लोग सुबह से पढ़ रहे हैं उसमें कहानी क्या है, तो वो फील्ड और पोटेंशियल के बीच की कहानी, वो अलग टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब मैंने जब पढ़ाया था दो तीन दिन पहले पोटेंशियल, तब मैंने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है जिसमें वर्क आता है, कौन सा था? पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन जो पोटेंशियल के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी, क्या था कि पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, पहले बताया था। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू इंटू वी। अगर v को लिखना हो तो लिख दो डेल्टा v। दिस इज द ओनली फॉर्मूला टू फाइंड द वर्क डन, कि अगर वर्क कैलकुलेट करना है तो चार्ज इंटू क्या लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज लिखते हैं तो यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सेम टू सेम वर्क डन इज इक्वल टू, जैसे डब्ल्यू वी में लिखते थे वर्क एनर्जी थ्योरम क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, वही है, पोटेंशियल इंटू चार्ज कर दोगे। अच्छा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, के क्यू बाहर होता है, अगर इसमें एक और चार्ज का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्यू वन क्यू टू यही क्या बन जाएगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखना, इस तरह के क्वेश्चन में अगर वर्क डन पूछेंगे तो वर्क डन हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम होता है। अगर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो तो जो भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, वही किसके बराबर होगा, वर्क डन। एक मिनट इसको ध्यान सुनना, एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लो। अब बुक में बच्चों वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, आपने भी सुना होगा। कॉन्फ़िगरेशन मतलब, अगर कॉन्फ़िगरेशन को बेसिक हमारी लैंग्वेज में समझें तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, कि चार्जेस को कैसे अरेंज किया। तो आप बताइए अभी ये चार्जेस का कॉन्फ़िगरेशन कैसा था, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे थे जिसकी साइड कितनी थी 2a, अब क्या आपने कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, टाइप बाय टाइप चलना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में मोस्टली हमको फोकस करना है टाइप बाय टाइप, कौन सा क्वेश्चन। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज कर दिया, कि पहले 2a साइड के इक्विलेटरल ट्रायंगल पे थे, अब उसको कॉन्फ़िगर करके क्या कर दिया, a साइड के इक्विलेटरल ट्रायंगल पे कर दिया। तो मेरी जो पहली लाइन जो क्वेश्चन में जो नीट में पूछी होगी वो लाइन कॉपी के ऊपर लिखना आप लोग सब, कि अगर चार्जेस लिखो, अगर चार्जेस का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं, वाली ही है, अगर चार्जेस का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हो, हाँ एनर्जी, अगर चार्जेस का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हो तब वर्क करना होगा, अगर चार्जेस का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हो तो वर्क करना होगा। और वर्क डन का फॉर्मूला ये लिख लेना, वही क्यू इंटू डेल्टा वी, पोटेंशियल इंटू चार्ज को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, इसको लिख लेना। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो वर्क पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, और दोनों की पोटेंशियल एनर्जी को आप माइनस कर दो, खत्म कर दिया सर। आप सर आ रहे हैं, चैप्टर खत्म कर रहे हैं, मजाक कर रहा हूं सर, नहीं 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 नहीं, मैं भी करूंगा, मेरे उसमें तो ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं जो मैं दो तीन दिन पढ़ाई खत्म कर लूँ, कितना भी पढ़ा जाओ, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म करना तो 24-25 घंटे या 40 घंटे तो लगेंगे। सेमीकंडक्टर हो सकता है ना?
एक दिन में कुछ भी खत्म नहीं हो सकता, दो तीन दिन में भी नहीं हो सकता, लॉजिक गेट खत्म हो सकता दो दिन में। देखो एक चैप्टर है सर, आप कुछ सोच रहे सुनो, ये देखो आप इसमें सुनो पेयर कैसे लिखते हैं। सबसे पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यहां से देखना इस क्वेश्चन को देखना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पेयर कैसे लिखेंगे। हमने बोला हर दो चार्ज के बीच कुछ ना कुछ एनर्जी, जिस एनर्जी को हम लोग कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब पेयर कैसे लिखते हैं देखो ध्यान से बच्चों, जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पे थे तब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे। देखो पेयर बनाना पड़ता है, पेयर कैसे बनाते हैं, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीन चार्ज है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में कुछ ना कुछ क्या होगी एनर्जी होगी, तो ये बन गया एक पेयर। देखना कलर चेंज कर रहा हूं, ऐसे देखो इन दोनों चार्जेस के बीच में कुछ ना कुछ क्या होगी एनर्जी होगी, दूसरा पेयर और इन दोनों चार्जेस के बीच भी कुछ ना कुछ हो क्या होगी एनर्जी। तो अगर मैं कहता ध्यान सुनना, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम जैसे क्लास, तो क्लास को किसने बनाया कि 50 बच्चा है तो वो पूरे 50 बच्चों ने किसका बना दिया क्लास, तो मैं बोलूंगा क्लास की पोटेंशियल एनर्जी लिखो। तो फिर आप क्या लिखोगे, हर दो चार्जेस के बीच पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे। तो जब मैं बोलूंगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो सिस्टम में जितने भी पेयर बन सकते हैं, तो ट्राइंगल है तो यहाँ पर कितने पेयर बन सकते हैं तीन पेयर, तो इन तीनों पेयर की पोटेंशियल सोच लो, जैसे ये ब्लू वाले की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बड़ा आसान है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या भाई, ये क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, तो इसको ऐसे लिख दो, इस वर्टेक्स को नाम दे दो वन, इस वर्टेक्स को नाम दे दो टू और इस वर्टेक्स को नाम दे दो थ्री। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगी, यहां से देना यू इनिशियल, तो किस किस के बीच की, U12, U23 और U13, देख लो तो ये किसके बीच की है, 1, 2, 2, 3 और ये किसके बीच की है 1, 3। फॉर्मूला क्या है, K, Q1, Q2 अपॉन R, ध्यान से देखना। तो जब 1 और 2 के बीच की पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा तो कितना आएगा, K, Q1 कितना है Q, Q2 कितना है Q, और जो साइड के बीच की दूरी है वो कितनी है 2 है, प्लस 2 3 के बीच की सेम आएगी, क्या बोलते हो, और 1 और 3 के बीच की भी क्या आएगी सेम, कर दूं तो डायरेक्टली इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, तो वो कितनी हो जाएगी 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये क्या मिल गया, सिस्टम के कॉन्फिगरेशन अरेंजमेंट की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब वो 2a वाली साइड पर रखे हुए, फिर हमने क्या किया कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, इसको 2a से रख के किस पे कर दिया छोटे, बस एक लाइन दिमाग में जो मैं लिखा है कि कहीं भी कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज कर रहे हैं तो वहां पर वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क हमेशा होगा इनिशियल सिस्टम की एनर्जी और फाइनल सिस्टम की एनर्जी। क्या फर्क पड़ेगा, जब यहाँ रख दूंगा तो फाइनल कितनी हो जाएगी, जब यहाँ लिख दूंगा तो सिस्टम की फाइनल कितनी हो जाएगी भाई, किसी एक की लिख दो, किसी एक की पेयर तो वही बनेंगे इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, तो पेयर कितना हो जाएगा K, Q1, Q2 अपॉन कितना A, ये एक इसकी होगी, इसकी सेम टू सेम इसकी भी आएगी, सेम टू सेम इसकी भी आएगी, क्या बोलते हो तीन से मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाइड बाय थ्री। देखो तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई, वो क्या हो गई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई, बस। तो वर्क डन पूछेगा, सुन लो सिर्फ सुनने फोकस करो अच्छे से लिखना, तो वर्क डन जो होगा वो होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस इनिशियल, तो बस कितना आएगा, कितना आ जाएगा देखो, तो 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना ए, यहां से देख लो 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, और इनिशियल कितनी है माइनस इनिशियल कितनी है 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना 2a, कितना होगा सॉल्व करने पे 3k क्यू स्क्वायर बाय a कॉमन ले लूं उसमें से, तो k क्यू स्क्वायर अपॉन a कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 3 माइनस कितना 3 बाय 2, देख लो यहाँ 3a, 3 भी तो कॉमन, हाँ 3 भी ले लो, 3 भी ले लो, 3 भी ले लोगे तो कितना बचेगा 1 माइनस, देख 3k q square तो 1 minus 1 by 2 कितना 1 by 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 3k q square upon 2, this is what work done, किस काम को करने के लिए
टू चेंज कॉन्फिगरेशन शब्द बोलो बार बार, टू चेंज द कॉन्फिगरेशन ऑफ चार्जेस फ्रॉम अ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a से इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड a। अब सुनो, ये तो मैंने ट्रायंगल से ट्रायंगल पे रखा, और कैसे रख सकते हैं? अब गुप्त क्वेश्चन क्या है सर, इनमें चार्जेस के साइन नहीं लेंगे ना? नहीं लेंगे, लिख लो, लिख लो। हर स्केलर क्वांटिटी में साइन लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वेक्टर थी तो वहां साइन नहीं लेंगे, बट पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में साइन लेंगे। लिख लो, जहां पोटेंशियल एनर्जी लिखा ना उसी फॉर्मूला लिख लो, यू इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर में, जहां लिखा ना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वहीं लिख देना। क्या लिखोगे कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में साइन लेते हैं, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में साइन लेते हैं। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में साइन लेते हैं, बट किसमें? फील्ड और फोर्स। याद कर लो कूलम्स लॉ में जितने भी लिखे थे कहीं पर भी चार्ज का साइन नहीं लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में जितने भी लिखे वहां पर चार्ज का साइन नहीं लिया। लिख देना वहां चाहो तो और लिख दो, किस दो, फील्ड और फोर्स में साइन नहीं लेते, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में साइन लेते हैं, विद साइन। चलो अब इसी में बताओ आप लोगों की बुद्धि क्या बोलती है। देखना अभी कॉन्फ़िगरेशन क्या था बच्चों, पहले पहले कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक 2a साइड के इक्विलेटरल ट्रायंगल पर रखे, ध्यान सुनना फटाफट, इन्हीं के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करके आपको क्या लगता है एक स्ट्रेट लाइन रख सकता हूं? समझो कहानी सुनना, एक मिनट, क्वेश्चन कैसा बनेगा बच्चों फटाफट सुनो, क्वेश्चन देखो कैसा है, उसी क्वेश्चन को मैंने और मॉडिफाई कर दिया। क्वेश्चन कैसा है तो बोलेंगे पहले तीन चार्जेस इक्विलेटरल ट्रायंगल पर रखे थे जिसकी साइड कितनी थी 2a। अभी इसके पहले हमने बेटा सुनो मत खाओ, अभी इसके पहले हमने ट्रायंगल से ही छोटे ट्रायंगल पर रखा, क्वेश्चन सुनना। अब वो बोलेंगे नाउ दीज चार्जेस आर केप्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन एट इक्विडिस्टेंस ऑफ 2। समझो तो पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल पे थे जिसकी साइड 2 थी, अब इनके कॉन्फ़िगरेशन को उठा के चेंज करके किस पे रख दिया है, स्ट्रेट लाइन, और इक्विडिस्टेंस मतलब कि सभी चार्जेस के बीच की दूरी कितनी है 2 है। देखो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, कैसे ट्रायंगल से कहां लिया स्ट्रेट लाइन, हमारा बस एक लाइन का कॉन्सेप्ट, चाहे कैसा भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करो, कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की चेंज होगी, सिस्टम की पोटेंशियल चेंज होगी तो वर्क करना पड़ेगा बस। तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, यू आई कितना आया था, एक की कितनी आई थी के क्यू, अब ये ध्यान रखना गलती क्या हो जाती है क्योंकि हमको कूलम फोर्स लिखने की आदत होती है, तो जल्दीबाजी में के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर हो सकता है, इसलिए वो गलती मत करना। के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर तो कितनी आई थी, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितनी 2a, क्यू वन क्यू टू अपॉन 2a एक की, और इसमें किसका मल्टीप्लाई करना था 3 का, ये तो समझ गए। अब इसमें कैसे लिखोगे पेयर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक में 4a आएगा, पेयर कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, 3 ही बनेंगे बस, चार हो गए ना, चार तो नहीं बनेंगे बस। हर दो चार्जेस के बीच आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो पेयर कैसा बनेगा, एक इन दोनों के बीच का, एक इन दोनों के बीच का, और एक किसके बीच का, इन दोनों के बीच का, तो पेयर लिख दो, पेयर कैसा बनेगा, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई, सुनो इन दोनों के बीच का बोलो के क्यू वन क्यू टू अपॉन दूरी कितनी है 2a, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a क्या बोलते हो, इन दोनों के बीच का भी सेम आएगा, तो एक मल्टीप्लाई कर दो किससे, इनटू 2 से प्लस इन दोनों के बीच का चलेगा, तो वो कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना 4a, तो वो कितना आ जाएगा, हाँ ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, कॉमन कितना आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए कॉमन, यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस यहाँ कितना बचेगा 1/4, तो ये कितना आ जाएगा 5/4 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ये क्या मिल गई फाइनल पोटेंशियल,
बस इस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर दो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में से माइनस कर दो, दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन। इसको देखो, तो ट्राइंगल से ट्राइंगल पे रख सकते हैं, ट्राइंगल से स्ट्रेट लाइन पे उल्टा भी चलेगा, स्ट्रेट लाइन से ट्राइंगल पे भी रख सकते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज कर सकते हैं देखो, नीट का क्वेश्चन कौन सा था वैसे, ये देखना। एक Q1 चार्ज वैल्यू दी होगी, मुझे वैल्यू नहीं पता, 5 मिनट और सर ने 8:05, अरे नहीं सर आपने इतना बोल दिया मुझे, चलो बस 5 मिनट देखो जब देखो सुनो बालिकाओं सुनो, थ्री चार्जेस आर लिखना नहीं, देखो बस अंतिम क्वेश्चन है, चलो उसके बाद चले जाएंगे। देखो ये तीन चार्जेस है, इस तरह से रख दिए, Q1 की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम प्लस में, Q2 की वैल्यू है -3 माइक्रोकूलम Q2, और Q3 की वैल्यू है +4 माइक्रोकूलम। सुनो क्वेश्चन सुनो, ये नेट का क्वेश्चन है, ऐसा मिलेगा। तो उन्होंने बोला थ्री चार्जेस आर केप्ट, बहुत सुंदर देखो, थ्री चार्जेस आर केप्ट एट Q2 एट 6,0, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये वाला एक्सिस पे, तो 6,0 पे, ये वाला कहाँ है वाई एक्सिस पे, तो 0,8, और जो Q1 है उसको कहाँ रख दिया, ओरिजिन, दैट इज 0,0। ये अभी कॉन्फ़िगरेशन है, सुनना, ये अभी कॉन्फ़िगरेशन है, अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या है। उन्होंने बोला नाउ द Q3 इज मूव ऑन द सर्कुलर आर्क एंड कैप्ट एट एक्स एक्सिस, थोड़ा मतलब लैंग्वेज को अच्छे से बोला होगा, बट मैं उसको शॉर्ट में क्या बोल रहा हूँ, इस Q3 को फोटो दिखाया था, इस Q3 को एक सर्कुलर आर्क में घुमा दिया और कहाँ पर रख दिया, एक्स एक्सिस पर रख दिया। क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, फाइंड रिपीटर वाले में सुन ले, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q3 फ्रॉम वाई एक्सिस टू एक्स एक्सिस ऑन सर्कुलर पाथ। फोटो दे दिया कि सर्कुलर पाथ पे घुमाते घुमाते उसको वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस पे रखना है, और भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको सुनना कैसे, सुनो ये देखना ध्यान से, कि जैसे ही आपको दिखेगा वर्क डन, बस मैं तो याद करता कि वर्क करना है मतलब कॉन्फ़िगरेशन कहीं ना कहीं चेंज हुआ होगा। कॉन्फ़िगरेशन पहले कैसा है वो देख लीजिए, कॉन्फ़िगरेशन बाद में कैसा है वो देख लीजिए। तो पहले अरेंजमेंट कैसा था, Q1 यहाँ था, Q3 यहाँ था, Q2 यहाँ था, बाद में क्या किया, इस Q3 को कहाँ मूव कर दिया, वाई से एक्स। ये बोलने का क्या मतलब है, सर्कुलर पाथ बोलने का मतलब क्या है, इस Q3 को इस सर्कुलर पाथ से उठा के कहाँ है, तो फाइनल अरेंजमेंट कैसा बनेगा, क्यों फाइनल फोटो कैसा बनेगा, Q1 तो वही की वही है, क्या बोलते बच्चों, Q2 भी कहाँ है, वही की वही है, Q3 पहले कहाँ रखा था, यहाँ, तो यहाँ से उठ को कहाँ रखा दिया इसको हमने, यहाँ पर। तो सर्कुलर पाथ क्यों बोला, सर्कुलर बोलने का मतलब क्या है कि पहले ये डिस्टेंस कितनी थी, 8 सेंटीमीटर, ध्यान सुनना, तो ये डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर, तो सर्कुलर पाथ बोलोगे, तो सर्कल की रेडियस क्या होगी, सेम हो, विचार कर लो, जब इसको यहाँ से घुमा के यहाँ रखा तो क्या बोलते हो बच्चों, जो ये दूरी है ये भी कितनी रहेगी, 8, तो Q3 की डिस्टेंस कितनी लिखोगे, 8 सेंटीमीटर, कहाँ से, यहाँ से, इसकी डिस्टेंस कितनी थी, 6 सेंटीमीटर। अब बनाओ वहां पेयर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे, इनिशियल कितने पेयर बनेंगे, ध्यान से सबको बोलता है, सोच समझ के बोलता है, उसको खुद को बोल देते हैं फिर अपन शोर हो जाएंगे, अभी तो ठीक है, तीन बनेंगे, तीन कौन कौन से हो रहे हैं, इन दोनों के बीच, हर चार्ज के बीच बनाना है, इन दोनों के बीच और किधर, इन दोनों के बीच, क्या बोलते हो, तीन बन जाएंगे, विचार कर लो वैल्यू के साथ, फिर बाद में इसमें, इसमें देखो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, तो अब यहाँ कॉन्फ़िगरेशन कैसा है,
तो इन दोनों के बीच, फिर इन दोनों के बीच बनेगा Q2 Q3 के बीच में बनेगा और एक किसके बीच में Q1 और Q3 के बीच में बनेगा। तो बस इनिशियल, अच्छा डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। चलो लिख आप लेना, यहाँ बताओ Q1 और Q3 के बीच कितना लिखोगे? नहीं आप वैल्यू बता दो, तो K वैल्यू नहीं, Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर है, उसको किसमें कन्वर्ट कर दोगे? मीटर में। ये एक पेयर में से एक, इन दोनों के बीच में अपॉन 6 सेंटीमीटर है, कन्वर्ट कर देना। तीसरा हाँ, ये 8 है, ये 6 है, तो पाइथागोरस से ये कितना आएगा? 10। तो इसको लिख दोगे के Q2 Q3 अपॉन कितना आ जाएगा? 10। इन तीनों को जोड़ देना, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्या मिल जाएगी सिस्टम। यहाँ किस में फर्क आएगा? ये तो वही रहेगी के Q1 Q2 अपॉन 6, ये भी वही रहेगी के Q1 Q3 अपॉन कितना? 8। बट Q2 और Q3 में चेंज आ जाएगा, क्या बोलते हो बच्चों? अब Q2 और Q3 के बीच दूरी कितनी होगी? 8 और 6, तो यहाँ दूरी कितनी थी? 2। बट यहाँ Q2 और Q3 के बीच दूरी कितनी थी? 8। तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी चेंज करो, हमेशा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, वहाँ पर कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, वो वर्क हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। इसको देख लें, धन्यवाद आप लोग आए इसके लिए, मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभारी हूँ। और धन्यवाद आप लोग मुझे भी दीजिए कि मैं आज आप लोगों को काफ़ी सारा होमवर्क दूंगा, ज्यादा नहीं, घर जाके कुछ मत करना, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना, तीनों सब्जेक्ट पढ़ो जो करना हो करो। हाँ बाय तो कर रहे हैं, कल मैं भी ऐसी बाय करूंगा सोहम।